भारत माता की। भारत माता की। मंच पर उपस्थित दिल्ली के लोकप्रिय सांसद श्रीमान उदित राज जी, दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद श्रीमान विजय गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अनिल जैन जी, पूर्वी दिल्ली की महापौर श्रीमती मीनाक्षी जी, मंच पर उपस्थित दलित और विशेषकर खटीक समाज के सर्व नेतागण, और आज के इस कार्यक्रम में बहुत शॉर्ट नोटिस से आए हुए प्यारे दलित और खटीक भाइयों और बहनों, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने के बाद पहली रैली अगर हो रही है तो दलित समाज की हो रही है। इससे इससे आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो विकास की प्रायोरिटी क्या होगी वो अपने आप तय हो जाता है। पहली रैली दलित और खटीक समाज की करकर भारतीय जनता पार्टी दलित समाज में और विशेषकर पिछड़े दलित समाज में एक संदेश देना चाहती है कि दिल्ली में रहे हुए दलितों की समस्या का अगर कोई निवारण कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी को। मित्रों, लोकसभा के चुनाव में एक हवा बनी थी, केजरीवाल जी अपने आप प्रधानमंत्री बनकर देश भर का दौरा करने लगे थे, और एक हवा बनी थी कि दिल्ली में सारी की सारी सीटें आप पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में कुछ सफलता मिली थी। मगर दिल्ली के चुनाव में लोकसभा में सातों की सातें सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर मोदी जी की नौजोली में ली, और उसी वक्त तय हो गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दो तिहाई बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनने जा रही है। मगर मैं आज यहां पर सरकार बनाने की अपील तो दलित भाइयों को करने आया हूं, मगर यह भी कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो हम सबकी इच्छा है कि दलितों के वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और इसमें दिल्ली की 12 की 12 सीटें जो रिजर्व सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम दलित और खटीक समाज ने श्री उदित राज के नेतृत्व में करना है। मित्रों, मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता, मोदी जी की सरकार बनने के बाद सरकार की प्रायोरिटी गरीब और गांव रहा, सरकार का हर एजेंडा हर योजना उसी दिशा में अंततः बतवा जाती। सालों से आजादी के इतने सालों के बाद देश के 60% लोगों के परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं थी, गरीबों को अर्थतंत्र को का फायदा पहुंचाने का कोई साधन नहीं था, ना अर्थतंत्र के दायरे में गरीब आता था। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जनधन योजना शुरू कर
हर गरीब के घर में कम से कम एक बैंक अकाउंट खोलने की योजना शुरू कर 10 करोड़ के आसपास गरीबों के बैंक अकाउंट खुलाने का काम समाप्त। उसके साथ में उसके लिए 1 लाख का बीमा देने का भी काम किया। मित्रों, सरकार की योजना के माध्यम से गरीब इस देश के अर्थतंत्र का हिस्सा बने, दलित इस देश के अर्थतंत्र का हिस्सा बने, इसके लिए इतनी कांग्रेस की सरकारें आई मगर किसी के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने ही इसका इनिशिएटिव लिया और उसको अंजाम तक पहुंचाया। गरीब को सबसे ज्यादा अगर मार पड़ती है तो महंगाई की। 10 साल से ये यूपीए की सरकार महंगाई कम करने में विफल रही। हर रोज काम बढ़ते जाते थे और सबसे ज्यादा परेशानी गरीब और दलित की होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 7 महीने में 10 बार पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने। और महंगाई में भी महंगाई का जो थोक सूचकांक लगभग लगभग 6 और 7% में रहता था, उसको कम करकर 0 से 1.5% के बीच में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मैं दावे से कह सकता हूं, किसी भी वर्ग का नागरिक हो उसके महीने के बजट के अंदर 150 से 4500 रुपए के बीच की बचत का काम ये महंगाई कम करके मोदी सरकार ने तुरंत कर दिया है। और इसके सबसे ज्यादा फायदा किसी का हुआ है तो गरीब और दलित समाज का। मित्रों, नरेंद्र भाई ने सफाई के काम को भी गौरव दिलाने का काम किया। देश का प्रधानमंत्री गांधी जी के बाद पहली बार देश का प्रमुख नेता हाथ में झाड़ू लेकर सफाई देकर पूरे समाज को आप संस्कारित कर रहा है। और इसके कारण ये सफाई के काम के लिए सफाई के काम को भी गौरव दिलाने का काम मोदी जी ने किया। मेरे पास बहुत लंबी सूची है सरकार के कामों की मगर मैं कहना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दिल्ली के चुनाव में कहीं पर कांग्रेस नहीं है, मुकाबला सीधा है भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी के बीच। और आप पार्टी वाले मानते हैं कि गरीबों के वोट आप पार्टी के साथ। मैं आप सबको पूछना चाहता हूं, आप सब भारतीय जनता पार्टी के साथ इस चुनाव में है या नहीं है?
बोलो।